एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट रागी डोसा। रागी फ्लोर हमने आधा कप लिया है और आधा कप हमने ये राइस फ्लोर लिया है, चावल का आटा, रागी का आटा, और ये जो प्याज है हमने इसको बारीक काट लिया है। ये हमने ली है 1/4 कप। कटा हुआ हरा धनिया है 2 से 3 टेबलस्पून, 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक है, 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, जीरा 1 चम्मच है, नमक स्वाद के अनुसार है। इस तरह से हमने ये लिया है बटर मिल्क जो हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर, 1 कप बटर मिल्क है, और पानी लिया है हमने 1.5 कप, यानी टोटल हम 2.5 कप लेंगे। अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो आप 2.5 कप पानी ले सकते हैं। तो आइए इन सबको मिक्स करते हैं एक ब्लेंडर में। प्याज, हरा धनिया छोड़ के बाकी सब चीज़ें हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और जीरा छोड़ के बाकी सब इसमें डाल दिया है, दोनों आटे, बटर मिल्क और पानी। अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। तो ये देखिए, पानी और बटर मिल्क डालने के बाद ना ये कुछ इस तरह का हो गया है। तो अब हम इसे हम सबसे पहले इस बाउल में खाली करने के बाद डालेंगे जीरा, नमक, फिर डालेंगे ये प्याज, अदरक, हरी मिर्च, और उसके बाद ये कटा हुआ हरा धनिया। इसको कर लेंगे सब अच्छे से मिक्स। अब ये घोल देखिए हमारा कुछ इस तरह से फ्लोई हो गया है। तवा हमारा गर्म हो गया है। अब हम देखिए आप ये मिश्रण कैसे डालते हैं। देखो कितनी अच्छी जाली पड़ रही है। बस ये आपको फटाफट करना है और फ्लेम जो है ना हाई रखनी है। देखिए कितना बढ़िया है ना जालीदार। तो इस तरह से फैला लेंगे और इसके सिकने की इंतजार करेंगे और हल्का सा इस पर ऑयल डालेंगे। थोड़ा ऐसे तवे को टेढ़ा करके ना किनारे से इस तरह से दोनों तरफ से आप इस तरह से सेक लें चारों तरफ से, है ना। थोड़ा सा देखिए तवे को टेढ़ा कर रहे हैं हम, ताकि चारों तरफ से ना बराबर आग लगते हुए बराबर सिके। तो ये बहुत बढ़िया बनते हैं, डिनर में खाइए, वेट लॉस के लिए अच्छी रेसिपी है। बहुत कम ऑयल आप लगा सकते हैं इसमें और बहुत लाइट रहता है खाने के लिए। और अगर आपको ये बिल्कुल क्रिस्पी चाहिए ना, तो फिर बटर मिल्क की जगह आप पानी डाल दीजिए। मुझे थोड़ा हेल्दी और बच्चों के लिए सॉफ्ट चाहिए था, तो मैंने इसमें बटर मिल्क यूज़ किया है। उसका खट्टापन का टेस्ट भी मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा है। और 1-2 मिनट के बाद ही हम इसको चेक करके देखेंगे। ये देखिए ऐसे ना किनारा हल्का हल्का छोड़ने लगता है। अगर आप जल्दी से करेंगे ना पलटने की कोशिश, तो वो चिपका हुआ मिलेगा। तो आप पहले आराम से इसको धीरे धीरे ऐसे निकालने की कोशिश कीजिए। ये देखिए बहुत आसानी से ये निकल जा रहा है। और ये हम इसको हाफ रोल करेंगे ताकि ये दिखता रहे। और ये देखिए कितना बढ़िया ये डोसा बनकर तैयार है। वाओ, लग रहा है ना टेस्टी? तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा ये हमारा यम्मी सा लगने वाला डोसा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।